एट द रेट करोगे तो वहां पर भी मैंने शेयर की हुई ये वीडियो, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर जाओगे तो 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इसको शेयर किया हुआ है ट्विटर के ऊपर। वो पूरा बकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रखी है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में दो बार प्रधानमंत्री बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचीर से। तो तुम सोचते हो, पूछ लेना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, गूगल सर्च कर लेना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय प्रधानमंत्री मोदी। ये वो एजेंडा है जहां पे वो लोग कहते हैं दुनिया के सबसे अमीर लोग, ये धरती मर रही है, धरती को बचाना होगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से एनवायरमेंट खतरे में है, और एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा खतरा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं इंसान और जानवर, तो इंसानों की और जानवरों की कार्बन डाइऑक्साइड रोकनी पड़ेगी दुनिया मानता है। इसका क्या मतलब है आप समझ लो भाई, आप सांस जो है ना, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़नी आपने, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं लेनी, अगर आप छोड़ रहे हो तो उसको मुंह बंद कर लो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कम जाओ, आप भी करे उल्टी ले लो। तो जो 20 साल लेनी थी आपने कार्बन डाइऑक्साइड, आप 10 साल, समझ गए? ये इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अगली स्टेप है, अगला नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम। इसके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा, अभी धीरे धीरे ये नाम आपके सामने आते चले जाएंगे, क्योंकि इन पे मैं 2 साल पहले बोल चुका और मैंने कहा कि इसका दिमाग ऊपर वाला माला खाली हो चुका है भाई। एक कोचिंग सेंटर देखो, पहले तो सरकारी नौकरी मिलती इन लोगों ने, हम दोनों मियां भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते, हम अपनी नौकरी छोड़ गए दोनों के दोनों, कि भाई सिस्टम बर्बाद होने वाला है, लोगों को नया सिस्टम क्रिएट करके दिखाना पड़ेगा। लोगों ने दिखाया, कोचिंग सेंटर चंडीगढ़ में खूब टॉप में चल रहा, और चलता चलता लोगों ने पीछे उल्टे देखे, जब मैं कौन पढ़ाता है, मैं तो दुनिया भर के कोचिंग सेंटर बंद कराऊंगा, क्योंकि कोचिंग सेंटर मेरे सगे भाई का बालक भी पास हो जाए और एक नौकरी हो, एक पोस्ट हो, मैं तो साबत रात भगवान तक मैं ये भगवान इसके पखार चढ़ जैसे हो रहेगा दूसरे के मेरा लाग जाए, अगले दिन इंटरव्यू में जाना हो तो नहीं हो, मैं कब चाहूंगा कि मेरे पड़ोसी का बालक लाग जाए, मैं चाहूंगा मेरा लागे चागले की काम टूटो चागला मरो चागला कुछ हो जाओ। तो समाज को तोड़ने का मतलब तोड़ने का काम करते हैं कोचिंग सेंटर और ये कंपटीशन की दुनिया। तो मैं इसीलिए 2016 में निकल लिया था कि एजुकेशन सिस्टम पे काम करूंगा, उस टाइम पे लोग बावड़े गए अगर कुछ अच्छा बोला कोचिंग सेंटर, इससे बढ़िया पीछा तो नहीं आज की से धंधे में, माँ बाप ने मेरे बड़का बोलने वाला आदमी तो क्यों करे भगा लो क्यों जी। तो अपना सेंटर चला के खुद अपना रुपये बना लो, अपना अपना जुगाड़ बांध लो, जो भी तो कर सकूं था मैं, लेकिन मैंने को यह मालूम था कि यह रास्ता बहुत गलत चल रहे हैं, तो रास्ते गलत चल रहे हैं तो बंद करो सबसे पहले। तो जब मैं इस पर बोलना शुरू किया तो भी मेरे को यही बोलते, इसका सटका हुआ ऊपर का माला, नौकरी छोड़ना, फिर सेंटर छोड़ना, फिर गामा गामा तक के खाना, और फिर गांव में जाके 2016 में भी जुगा करते साढ़ा चला गया, कहते मैं कहता हूँ एजुकेशन पर बात करा गया आप जुगा करते, तू जो बता बेचण के आया है, वो फाइल होती मेरे द्वारा, तो सोचते कुछ कुछ बेचण आया है, मैं तो आज की गांव वाला पीछे पर कुछ लिया नहीं, 6 साल हो गए तक के खाते गांव गांव जाके लोगों को समझाते। तो वो लोग जो बोलते थे कि तेरा सटका हुआ है दिमाग, वो भी ये कह रहे हैं कि तेरे ही बात तो कभी नुक्की नहीं होने लग रही है एक करके। जब मैंने कहा कि तेरे घर में पड़के मनाओगे हरियाणा में कौन ला रहे, क्योंकि मैंने बेरा है हरियाणा ने इकट्ठा कर दिया, आ जाओगे ना मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, झारखंड चले जाओ, आसाम चले जाओ, उधर पश्चिमी गोड़ है पश्चिमी बंगाल चले जाओ, उधर चले जाओ के नाम जम्मू कश्मीर घरा में पुलिस आए फौज आए बंदूक की नोक पे लान लाग रहे हैं अगली डोज। और वहां तो वीडियोस हैं, आप तो रखवाली होंगी अगर जागरूक हो तो, आपको नहीं पता है किस लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि तीसरी चौथी पांचवी आठवीं आठ तो भारत सरकार के अपने कोविन रजिस्ट्रेशन पे दे रखी है भारत सरकार ने, जाओ कोविन की वेबसाइट पे उन्हें दे रखा स्लॉट 8 का तो पहले से ही। दूसरी बात, हमने ये कहा कि आपके बैंक बंद होने वाले हैं, और आज से 1.5 साल पहले कहा बैंक बंद होंगे, पहले मर्जर होगा, फिर बैंकों के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, एफडीआई लाई जाएगी, पहले 51% एफडीआई लाई जाएगी, फिर हो सकता है 60%, फिर हो सकता है 100 की 100 प्राइवेट हाथों में चला गया, उसके बाद बैंक बंद होंगे, क्योंकि आप लोगों को आदत डाली जा चुकी है ऑनलाइन खर्चा करने की,
आपको आदत डाली जा चुकी है मोबाइल से खर्च करने की, पैसे ना रखने की आपको आदत डाली जा चुकी है। आपके गांव में सीएससी सेंटर होगा जहां आप पैसे का लेन देन भी कर सकते हो, तो बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। आजकल ऑनलाइन मोबाइल से करो, कंप्यूटर से करो या सीएससी सेंटर से करो। बैंकिंग छोड़ के बैंक सब कुछ कर रहे हैं, तो बैंक बंद होगा उसके बाद आएगी डिजिटल करेंसी, और डिजिटल करेंसी का कल जिक्र हो चुका है, इससे पहले नहीं था। डिजिटल करेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, और मैं एक डेढ़ साल से तो मैं बोल रहा हूं, हमने बता दिया था कि डिजिटल करेंसी आएगी। क्रिप्टो करेंसी का खेल जो आपको फायदा दिखाने के लिए दिखाया जा रहा है, यह भी आपका पैसा खींचने के लिए है। ये भी एक दिन बैठेगा जैसे शेयर मार्केट बैठता है, और आपका पैसा ध्वस्त और वो मालिक आपके पैसे के। ये पैसा खींचने का एक तरीका है, और डिजिटल करेंसी आने के बाद आएगा सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो मैंने उस छोरे से पूछा था, शुरू में पूछा था कि तेरे गेम कैसे होते हैं, ये काम करोगे तो ये मिलेगा, ये काम करोगे तो टोकन मिलेगा, ये काम करोगे तो शाम को राशन मिलेगा। दिस इज सोशल क्रेडिट सिस्टम, टोटल कंट्रोल, आपके रिसोर्सेज पे कंट्रोल, आपकी जमीनों पे कंट्रोल करने के लिए खेती के कानून आए थे, आपने खेती के कानून वापस ले दिए, लेने पे मजबूर कर दिया, लेकिन ये बैकडोर से आपके लिए भूमि अधिग्रहण बिल ले आए। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट आएगा, फिर बीज के कानून आएंगे, फिर बिजली प्रीपेड होगी, फिर आपका पानी प्रीपेड होगा, फिर आपका खाना प्रीपेड होगा, फिर आपको राशन राशन मिलेगा घर घर जाकर के, फिर आपके पैकेट खाना ही खाना पड़ेगा, आपको दूध बेचना बैन होगा, डांगर रखने बैन होंगे, और आपके जोड़ भी उनके कब्जे में होंगे, आपकी शिक्षा भी उनके कब्जे में होगी, आपकी जमीन भी उनके कब्जे में होगी। मॉडल एपीएलएम एक्ट को देख लोगे, पानी के एक्ट को देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लंबा खेल आपके ऊपर जाल बिछाया जा चुका है। आपने थोड़ा सा विरोध किया तो ये दो साल तीन साल लेट हो जाएंगे। आपने अगर इनके षड्यंत्र को समझ लिया तो अगले 100 साल की रणनीति बना के काम करना पड़ेगा, ताकि इन पीढ़ियों को ये बता सके कि जिंदगी कैसे जीनी है, कि आपको आपकी खेती कैसे करनी है, समाज कैसे बनाना है, आपकी आपकी आपके जानवरों को किस तरह के कौन से जानवर पालने हैं, कि तभी इनके दिए हुए हाइब्रिड पालोगे, अपनी गाय पालोगे, तमने अब इनके दिए हुए बीज पालो अपने उगाओगे, कि तभी अपने ऑर्गेनिक उगाओगे, तुम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखोगे, इस बारे में इस पूरे षड्यंत्र को समझना पड़ेगा, जो कि 2 घंटे में 3 घंटे में या 1 घंटे में बताना संभव नहीं है। इसीलिए मोटी मोटी चीजें बताई है मैंने आपको, कि आप ये जो जो मैंने शब्दों का आपको बताया है, इन शब्दों को आप YouTube के ऊपर, Google के ऊपर सर्च करो, इनका लिंक समझो इस बीमारी के साथ, इस सोशल क्रेडिट सिस्टम के साथ, उड़ाने वाले टाइम की गुलामी के दौर के साथ। अगर आपको पता लग जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको हमारी तरह नींद नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा कि कितने खूंखार लोग हैं जिनकी नजर आपके बच्चों के ऊपर है। तो अब इंस्टेंटली सबसे पहले तो आपने जो है, जितने भी आ रहे हैं लोग इस अमृत प्याले को पीने के लिए जा रहे हैं, इन्हें बचा लो, फिर अपने बालकन बचा लो, फिर अपने स्कूल खुलवा लो, और उसके बाद अपने बालकन इकट्ठे करके घर घर जाके, अगर नौजवान साथी ये काम कर पाए तो भाई बहुत बड़ा शान होगा समाज के ऊपर, तथा कुछ न कुछ न्यू लगेगा, भाई तुमने कुछ करा जिंदगी में। एक के घर में जाके उन तन्यू पूछ लो अगली डोज लेनी कि नहीं लेनी, और उन तन्यू पूछ लो पेनडी में किसी का साइड इफेक्ट होया है क्या, क्योंकि बहुत जल्दी इस देश के लोग देश की सरकार से सवाल पूछने निकलने वाले हैं, साइड इफेक्ट का भी सवाल पूछने वाले हैं आपने, क्योंकि अपन जब जनता सरकार मोर्चा के मुद्दे तैयार कर रहे थे तो हमने बता दिया था भाई जो दुकानदार बर्बाद हुए हैं उनका भी हिसाब लेवांगे, जो बालका की पढ़ाई खराब करी है उसका भी हिसाब लेवांगे, जिनने लोन चुकाने थे वो भी हिसाब लेवांगे, जिनके धंधे बर्बाद करे हैं और जिनकी नौकरी गई है उनका हिसाब, और जिनके साइड इफेक्ट हुए हैं, जिनके आदमी गए हैं उनका भी हिसाब, क्योंकि आप लोगों को रखा गया है अंधेरे में। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर सरकार लागू करती है तो 2-3 कायदे हैं जो सरकार ने फॉलो नहीं किए। पहला कायदा ये कि जब सरकार किसी कारण से देश के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट थोपती है तो
सरकार उस दिन के बाद से लेकर के और जब तक उसको खोलती नहीं है, आपके हर खर्चे को सरकार वहन करेगी। अगर आपने लोन लिया तो उसकी किस्त सरकार भरेगी। अगर आपका कोई और खर्चा है, पेट्रोल डीजल खाना या दुकान का किराया या मकान का किराया या कोई और फ्रूटी लोन है, वो सारा का सारा सरकार भरेगी। ये बकायदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी आपसे जो धोखा हुआ वो ये हुआ कि जिस कारण से सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का कर्ज आपके ऊपर थोपेगी, वो कारण कौन से हो सकते हैं? बाढ़ के कारण, आपके सूखे के कारण, आपके युद्ध के कारण या फिर किसी बीमारी के कारण। तो उस कारण की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो कम से कम 4 लाख का मुआवजा परिजनों को मिलेगा। क्या किसी को मिला पूरे देश में? यहां पे धोखा हो रहा है। जो ये गाड़ियों के, जो पुरानी गाड़ियों को कंडम करके ये जब्त कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसी मोबाइल ऑर्डर का षड्यंत्र है। आप देखो जितना सरकारें कोशिश कर रही है, जितना डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स को प्रमोट किया जा रहा है, जो 5G के ट्रायल्स है, जो ये दूसरी तीसरी लहर है, ये सब के सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बर्बादी और गुलामी और मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने गांव के लोगों के साइड इफेक्ट की लिस्ट तैयार कर लीजिए, अपने युवाओं की लिस्ट तैयार कर लीजिए, अपने गांव की एक कमेटी तैयार कर लीजिए। बहुत जल्दी लोकल लेवल पे अपनी सरकार आपको बनानी है। सरकार आपके सरपंच नहीं चुनेगी, सरकार आपके सरपंची के इलेक्शन होने ही नहीं देगी। और ऐसे पूरे पूरे चांसेस हैं कि यूपी के अंदर सरकार योगी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उनको केवल उतनी सीट चाहिए एमएलए की सीट के लिए कि उनको संसद में राज्यसभा में पूर्ण बहुमत मिल जाए। जिस दिन केंद्र में, लोकसभा में तो पहले से है बीजेपी के पास, राज्यसभा में जिस दिन पूर्ण बहुमत हो गया, आप यकीन मानिए उसके महीने के भीतर भीतर इस देश के ऊपर सेना का शासन होगा। उसकी तैयारी आपको करनी है आज से। ये ध्यान रखिए, अगले चुनाव नहीं होने वाले हैं। अगर पहले से लड़ने की तैयारी कर ली तो बच सका, हां नहीं तो परमानेंट गुलामी। यही अगर टैंकर आके खड़ा हो जाए, यही अगर फौज आ जाए और आपको कश्मीर की तरह कर्फ्यू लगा दिया जाए और आदेश दे दिया जाए कि घर से निकल कर गोली मार दो, वो हालत आने वाली है। क्योंकि हम लोगों को उपद्रवियों का नाम दिया जाएगा, हम लोगों को बताया जाएगा कि ये लोग हैं इस बीमारी को फैलाने वाले। ध्यान रखना, आप आने वाले टाइम में हम लोगों का जाना तय है। जो ये दिखे ना रोज फोटो में, जिनकी वीडियो देखो, याद करा करोगे ये बता के तेरे मानस और फिर देर हो चुकी, क्योंकि रियल बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हम लोग बोल रहे हैं ना, जो रॉकफेलर फैमिली, रॉकस्टाइल फैमिली, ये वो फैमिली है जिन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति होते हुए गोली मार दी थी। भारत का प्रधानमंत्री जब देश को बचाने के लिए आगे आया लाल बहादुर शास्त्री, उसकी मौत का आज तक पता नहीं चला। इस देश को जगाने के लिए राजीव दीक्षित भाई जब निकला तो आज तक राजीव दीक्षित भाई का कैसे मरे वो नहीं पता चला। और हमारा नंबर भी बहुत जल्दी आने वाला है। कौन सी पार्टी? कोई पार्टी नहीं है? जनता सरकार मोर्चा है जी। ऐसा है जी, लेट आए हो और बात आपने सुनी नहीं, आपने बेरा नहीं, हम ये बात कर रहे नहीं टाइम से, कोई बात नहीं कर रहे, कुर्सी दे दे, आपका टाइम नहीं चाहिए। इन्ना तो इतना देर अभी कोई आवा जो वोट मांगना हो, वोट क्या खातर आया और कोई इतनी या सोच है इब तक है। मेरे तो सारे अच्छे हैं। कोई बात तुम सारे देखो ऐसा है, ये बात करते हैं ना, मोदी अच्छा कोई मतलब सारे मोदी अच्छा है। एक ऊपर बता दे, बता दे, साढ़े पांच सौ साल, साढ़े पांच सौ साल का राम जी जन्मभूमि पे बाबर ने वो बनाई मस्जिद, वो मस्जिद बना गए, अरबी बना दे, आज क्या कर रखे हैं 20% आ रही है, इतने परसेंट है, हम जो मार देंगे ऐसे आला भाई जी पे बने जी। और वो सुनिए जो आदित्य ने बोले जी, पूछ दे पूछ दे सेवा बरसात नगर जी, पूछ दे भाई, पूछ दे देखो भाई,
बहुत बढ़िया है, आपके बच्चों को ये जो धर्म की अफीम दी जा रही है ना, इसका बड़ा असर होने वाला है, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा, क्योंकि मोदी नहीं होगा हर काल में, आप लोग मेरे जिस आदमी में भरोसा कर लोगे कि जो आदमी हमने बचाने खातिर जागृत करना आया था, तो इस आदमी ने भी संसद में बचाओ और इसने भी विधानसभा में बचाओ, तो आप यकीन मानिए अगर आपने ये काम अपने गांव की ताकत को पहचाने बिना कर दिया, तो मेरे जैसा आदमी भी उन्हीं के जैसा हो जाएगा, फिर से बिक जाएगा, ये तय है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके गांव के युवाओं को इस बात को समझाना कि वो ताकतें आपके देश को और आपके समाज को कैसे योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद करती हैं, ये समझाना कि पॉलिटिकल नेक्सस कैसे आपके ताने बाने को तोड़ता है, ये समझाना कि कॉर्पोरेट्स का टैक्सेस कैसे काम करता है, ये समझाना कि गांव को अपनी ताकत कैसे सहेज के रखनी है, ये समझाना कि आने वाले वक्त में किसी को भी नेता बनाने की बजाय सारी ताकत को गांव के पास रखो, चाहे फिर किसी भी पार्टी का एमएलए एमपी बनाओ, आपको उनसे काम लेना आना चाहिए, ये समझाए बिना अगर आपने किसी को नेता बना दिया तो नाश तय है। इसलिए अपनी लड़ाई ये नहीं है कि आप किसको वोट देते हो या किसको नहीं वोट देते हो, अपनी लड़ाई केवल एक है कि वोट देने से पहले आप क्या प्रक्रिया अपनाते हो, आप उसको कंबल देख के वोट देते हो, नोट देख के वोट देते हो, पार्टी देख के वोट देते हो, चेहरा देख के वोट देते हो, मुद्दा देख के वोट देते हो, मुद्दे आप क्रिएट करते हो कि वो अपना बनाता है, क्योंकि ये ताऊगर राम मंदिर का मुद्दा उन्हें बढ़ा दिया 1992 से लेकर आए, फिर समझाऊं छोटा सा, देर नहीं है, आपने लेट तो नहीं रहे आप लोग, कोई लेट नहीं ना, तो समझो कहानी ये हो यार, आप पूरा पॉइंट समझो, 1985 में आइया समझा थोड़ी देर, 1985 में रामायण पहली बार आई रामानंद सागर ने, हाँ बिल्कुल सही, रामानंद सागर ने रामायण लिखी, मतलब उसका डायरेक्टर बन गया, और आपने ये नहीं पता लगा कि आरएसएस ने उसको फंड किया था, आपको ये भी नहीं पता आज तक कि आरएसएस की फंडिंग के बाद रामायण आई, 1985 से पहले मैंने कोई भी माँ बाप, कोई भी गांव का आदमी कदे भी राम का नाम लिए बिना अगर उठता नहीं देखा, ले भाई राम का नाम, राम राम भाई राम फल, राम राम भाई राम दिए, राम राम भाई फलाने, राम में राम अगर दे, राम फल राम दिया, राम बतेरी फिर नहीं देखे, 1985 में राम राम होया करती पर्दा ने मैनू हाथ ला के लगा कर दे, ले भाई राम का नाम, क्यों नहीं लुटे नहीं बोलना, 85 में आई रामायण, हम छोटे छोटे बालक होया करते, छोटे बच्चे होया करते, और उस टाइम पे मेरा याद है कुंडी पे चिटके और बुक्की पे चिटके, छोटे छोटे हुए तूत की टेडी टेडी हुए लेके डंडी, उनकी तलवार समझ के अपने पड़ोसी का न्यू मारा करते, जोश लो याद है, अपने टाइम के अंदर थैन मार रखी है, जय श्री राम कह के नहीं, अपने तीरा के आगे बोतल लिफाफे जला के और वहां के उनका गिंडू सी बना के बांध के और उसमें सूर तान की किकर की और ए नू कर की और ए नू कर के ओ जय श्री राम नू मारा कर तेरा पामा लग रहे, वो जो आदमी बाता का गेम दे रखी वो बंदूक वो मारती उस टाइम पे सिखाया था कि जय श्री राम नारे का मतलब था केवल मारना, केवल युद्ध, केवल दुश्मन के ऊपर अटैक ना हो तो बताओ, भाईचारे में किसी ने जय श्री राम का नारा लाया तो केवल युद्ध के टाइम पे लाया, हर हर महादेव का नारा भी और जय श्री राम का भी, क्यों जी, महादेव को याद करने के लिए ओम नमः शिवाय था और राम ने याद करने का राम राम था, लेकिन राम का मतलब था वो सर्वशक्तिमान, उसको कोई शक्ल नहीं दी थी, पहली बार शक्ल मिली थी अपने को रामायण के माध्यम से, पहली बार शक्ल मिली थी ना, वो अरुण गोविंद जो उस टाइम मर रहा था राम, उसने असली राम समझ ला तो पायम पड़ जा रहे लोग, उसके बाद जैसे ही 87 में रामायण खत्म हुई उसके बाद महाभारत चालू हुई, फिर कृष्ण दिया 89 में महाभारत खत्म हुई, 89 तक चली महाभारत और 90 में लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ लेकर चला, याद है, मतलब 4 साल लोगों के बीच में पहले वो मुद्दा बनाया, उस राम को शक्ल दी और फिर अगला आदमी रथ जोड़ कर चला और फिर 92 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई और उस दिन से लेकर इतने राम मंदिर का खान लाग रहे हैं,
समझे कितनी लंबा षड्यंत्र होता है। जो आज आपको कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, शुगर हो रहा है ना, उसका उसकी जड़ 1970 में हरित क्रांति में डाली थी लोगों ने। समझो भाई उम्र को, हरित क्रांति के दौर से चले बीज जो आपको दिए जा रहे हैं, ये आपको बीमार कर रहे हैं। जो आज आपको IVF से नई संतान जन्मनी पड़ रही है ना, ये उस टाइम के दौर की कहानी है। उसके बाद जो चाहे आपकी जमीनें खत्म करने का खेल हो, चाहे आपके टांगर खत्म करने का खेल हो, चाहे आपके समाज खत्म करने का खेल हो, चाहे धर्म की अफीम हो, ये लंबे षड्यंत्र चलते हैं आपकी समाज के साथ। धीरे 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 आपकी नसों में नफरत घोल दी जाती है। जिस तरह आज गामा में नफरत कैसे हो रही है, बोला हमने उस पार्ट में जाया करते, पिछले सरपंची के इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े थे। समाज इसलिए टूटा पड़ा है, दो धड़े मुंह बना रखे हर गांव में, दो दो तीन तीन धड़े, ये इनेलो वाले, ये कांग्रेस वाले, ये भाजपा वाले, ये भजन लाल के, ये पंसी लाल के, ये गोपर पटके की पता नहीं किसके कर रखे। और आदमी जब इलेक्शन आवे है गले में फटका सा डाल के, ऐसा लगे जो तो शहर में टॉमी को घुमाने के लिए निकलते हैं, ऐसा लगे ये सारे उनके टॉमी है। यह चीज समझनी पड़ेगी कि आप लोगों को किस तरह से अंधा किया जाता है कि आप वो चीज देख ही नहीं पाते जो वो सरेआम कहते हैं और आपके सामने हो रहा होता है और आपको पता ही नहीं चलता। तो वो जो नौजवान यहां से लिस्ट तैयार करेंगे और अपने गांव की टीम तैयार करेंगे, वो किसी बच्चे को कॉलेज में ना घुसने दे, किसी स्कूल में किसी बच्चे को ना जाने दे, किसी को पेपर में ना बैठने दे, या कोई ऐसी बात होती है तो वह टीम सबसे पहले जाओगी, बात करेगी, उनके बात नहीं बढ़े तो सबका गांव जाओगा उसके लिए। इस तरह का माहौल अपने गांव का तैयार कीजिए आप लोग। एक एक आदमी को गेंद लाकर समझाना पड़ेगा, एक एक आदमी से, एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा चक्कर टूट गया ना, समझो। यही समझाया गया था हम लोगों को, पोलियो गया था। हाँ, और पोलियो का फिर समझ लोगे तो आपको समझ में आऊंगा कि आपकी जड़ों में चिन्नी डाली कैसे गई। बहुत बड़ा खेल था पोलियो का भी, क्योंकि पोलियो की जो दवा दी गई थी उसका मालिक और पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे है। तो डॉक्टर साहब, पोलियो तो खत्म हो गया, वो अच्छी चीज को नहीं है ना जी, ना खत्म नहीं हुआ है। आप दे लंगड़े होया कर दे गा, मैं वे के को नहीं होता बच्चा, किसी के शरीर खराब कौन पाल दे, शरीर खराब का बेरा कोनी, लंगड़े जरूर को नहीं होता है। आज भी पोलियो नुक्का न्यू है, केवल और केवल उनके नाम बदल दिए गए हैं बीमारियों के। वो जो आपके याद हो, कदे ध्यान हो, DDT आया था, बड़े बताओ बैठ जा, DDT आया था, DDT आया था उस टाइम, याद हो कि आपके घर में सफेद सफेद सा छिड़काव करना आया करते, मतलब मच्छर मारन आए हैं। आपने कभी टाइमिंग की तरफ गौर नहीं किया, DDT का छिड़काव हुआ, पोलियो के अंदर केसेस आने शुरू हुए, जैसे यहाँ टेस्ट हुए तो केस आए थे, समझे। पोलियो नाम जी में तो पड़े उसका, उसके पहले तो पहले कौन था, पोलियो के नाम दे दिया, पोलियो हो गया, जो गरीब खांसी जुकाम तो कोई और नाम दे दिया तो दूसरी बीमारी होगी, कोरोना होगी, फिर और जो भी होगी। अब क्या होया, DDT का छिड़काव होया, पोलियो के केस आ गए, पोलियो की दवाई आ गई, DDT बंद कर दिया, पोलियो होना बंद हो गया। आपको पहले भी बीमारियां थी, अब जो आपको बीमारियां साइड इफेक्ट होने लग रहे, वो भी तो देखते ही हो रहा है सामान। बीमारी का इलाज जब आपको दिया गया, जब तो आप बीमार होने शुरू हुए हो, समझे ना आप बात को। तो एक छोटी सी बात फिर यो बोलेगा अपना सुशील भाई, बताओगे आपने कैंसर के पेशेंट बढ़ना ही, और बता दे भाई साहब, अभी तो बहुत कैंसर के केसेस भी बढ़ेंगे, नपुंसकता के केसेस भी बढ़ेंगे, हार्ट अटैक भी खूब बढ़ेगा, आपके पेट में जलन सी खूब आएगी, आपको लगेगा ये नॉर्मल है। जुगड़ी बापा 60 साल के का हार्ट अटैक हो जाए तो नॉर्मल मानना, 50 साल के नॉर्मल मानने लग गए, फिर 40 के में होने लग गए, फिर बता आजकल तो 20 साल का हो जाए। लेकिन ये आपने कभी नहीं सुना होगा पहले, ये 5 दिन के बच्चे का ब्रेन हेमरेज से मौत, 1 महीने के बालक का हार्ट अटैक से मौत, क्योंकि उसकी मां ने प्रेगनेंसी के टाइम पे अमृत प्याला पी रखा था। आपको जो बता रहा था मैं, एक बात बता रहा था कि जो नौजवान साथी है, इन लोगों को पूरी ट्रेनिंग, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे अखबार पढ़ने का तरीका हो, अखबार पढ़ना भी नहीं आता हम लोगों को, उसमें से मतलब की चीज भी निकालनी आती,
आर्टिकल लोगों को बतानी भी नहीं आती, मीडिया हम लोगों को अंधा रखता है, बड़ा खेल हो रहा हमारे साथ में। और सारे के सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर शामिल है, कहते खाली कोई नहीं सोचता हो कि मैं मोदी मोदी का विरोधी हूँ, कांग्रेस भी गल्ला शामिल है, आम आदमी पार्टी भी गल्ला शामिल है, चुटाला भी गल्ला शामिल है, और चुटाला भी शामिल है, उल्टार भी शामिल है, और राज्य भी शामिल है, और शौचालय भी शामिल है, सैलजा भी शामिल है, समझिए, और बजलाल फैमिली भी बंसीलाल फैमिली सारे शामिल है, तो और पकड़े उधर नेताओं भी शामिल है, नहीं तो चाहे तो कौन बोलता आपके बालका के लिए। तो जो असली बात है वो यह है कि भाई आप लोग थोड़े से संगठित हो, हम आपको बहुत जल्दी एक ट्रेनिंग के लिए कॉल देंगे या बरवाड़ा में देंगे, यहाँ बहुत जल्दी सारे एरिया के लिए बरियाड़ा या शहर में एक दिन की मीटिंग रखेंगे, थोड़ी बातें वहां चलेंगी, फिर एक ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा षड्यंत्र खोल के बताएंगे, साथ में एक आपको पेन ड्राइव देके भेजेंगे जिसके अंदर इस पूरे षड्यंत्र की सरूता आखिर तक की सारी जानकारियां, वीडियोस, अखबारों की कटिंग, खबरें और जितना भी पूरी दुनिया में ये चल रहा है, ये ताकि आपको पता चले और उससे बचने का तरीका, क्योंकि ये युद्ध जो है ये लंबा युद्ध है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और आप लोगों के लिए ये लड़ा गया है कम से कम अभी तो 10-15 साल ये चलेगा, तो आपको अगले 100 साल की प्लानिंग करनी है, उन्होंने 10 साल की कर रखी है, बस अब देखना ये है कि आप अपने अगली पीढ़ी को बचा पाएंगे कि नहीं, आप इकट्ठे